दिन तक अगर सीने के सर ब्लड है सॉफ्ट टिश्यू तो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत तेज अगर सीने पे हार मारा जाए तो कार्डियक स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि हार्ट फेल और हार्ट अटैक हो जाना चाहिए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि याद रखना मेडिकल साइंस जहाँ से खत्म होती है आजादार वहाँ से शुरू होगा। दुनिया में हमें हैरत है ये आजादारी है क्या। याद रखिए हुसैन आपका किरदार आईना है मगर निगाह जैसी हो वैसा दिखाई देता है। इंसान अगर गौर से इस आजादारी के मौजूदे को देखे और महसूस करे आप इंशाल्लाह मैं बस चार मिसरे पढ़ के अंजुमन रौनक अज़ा की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि वो समाप्त करें। मुझे इतना अंदाजा नहीं था हमारे भाई ने जुलूसों में मुलाकात की थी उन्होंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ शेखारी 28 के बहुत बड़ा मजमा होता है। मैं यहाँ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मजमा नजर आता है। गुलाब फूल जो होता है उसकी एक सिफत है। मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए मैं आपकी खिदमत में चुकी है लंबा सफर तय करके आपके बीच में आए आप अशार समाप्त कर लें। मैं आपके जहनों को आमादा करना चाहता हूँ ताकि आप उन अशार को समाप्त कर सके। एक आप अच्छे से चमन में जाइए देखिए बहुत किस्म के फूल लगे हुए होते हैं उससे पूछे साहब ये कौन सा फूल कह गई ये उसे पूछे ये कौन सा फूल बहुत महंग रहा है कहते साहब ये गुलाब है ये गुलाब है। उसी गुलाब को कुछ दिन बाद आप जाएंगे तो वही मालिक वो कलम किए रखे रहता है। उसी मेरे साहब ने अपने पेड़ क्यों कलम कर दिया कि नहीं इसकी सिफत है जितना कलम किया जाएगा उतना बड़ा होगा। आप समझे ये आजादारी के दुश्मन हमारा सर गर्म करने के लिए तैयार है मगर जैसे ही मुहर्रम आता है ये गुलाब के फूल सलाम हमारा करबला में अभी अभी आपने सुना था इससे पहले अंजुमन हैदरी जिसने अपने मातमे सदा का आगाज किया था लगाए के हुसैन इंशाल्लाह सब लगाए के हुसैन की सदा बुलंद करेंगे। उसके फौरन बाद ये अंजुमन रौनक अज़ा अपने मखसूस अंदाज में अपने आका की खिदमत की खराज अकीदत और आपकी कुर्सा पेश करेंगे। आप जरा महसूस करें मैं आपसे एक बात कहने लगा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में आवाज बुलंद की थी है कोई जो मेरी मदद को आए कोई आए या नहीं आए आए जो आए तो क्या हुआ तो वापस चले जाओ। मौला समझ नहीं आ रहा आपने फिर बुलाया क्यों था मलाइका आए अम्बिया आए सब आए मगर आपने मना क्यों कर दिया बुलाया फिर क्यों था क्या तू समझ नहीं पाओगे जमाना जैसे तरक्की करता चला जाएगा दुश्मन पेशानी रगड़ता चला जाएगा परेशान हो जाएगा ये आजादात कम नजर नहीं आएंगे। मैंने ये आवाज़ इसलिए बुलंद की है ताकि कोई अपने आप को कभी तनहा ना समझे मिसाल की जमा जो नहीं रखते हैं जहन में उन्हें शोहरत हजें हासिल नहीं और कोई कोई फर्म में उतने ही आजादार हैं सरवर की जमीन पर तादाद सितारों की जो है चर्चा जरूरत कर न की तो फिर ये हलमिन के मुनासिब क्या जरा समझो कि इस ज़र्बे ज़बा की जब कहाँ तक है। मैं इसे सुनते हैं आप जरूरत कर न की तो फिर ये हलमिन के मुनासिब क्या जरा समझो कि इस ज़र्बे ज़बा की जब कहाँ तक है। बशर जिन्नों मलक आए हजारों हदीस खानी ये बारह खानियाँ थी धीरे धीरे ये खानियाँ मगर मैं
अनमोल यादगार हुसैनी और मुंतजमी को मुबारकबाद पेश करूंगा और मैं दुआ करूंगा खालिक के नाम हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। ये इन्होंने बागबेर डाली है और बड़ी मुश्किलों से आजादारी उन माहौल से लेकर के हम तक पहुँचाई है। नौजवानों की आपकी जिम्मेदारी होती है और शहजादे जल्दी आना, पैरों से चल के नहीं पलकों से चल करके आना, ये आजादारी हमारी जान और पहचान है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मर्जी है तेरी फिक्र में तरमीम कर न कर, सुल्तान अकलो इश्को तस्लीम कर न कर, मस्जिद में देख ले जरा दोषे रसूल पर, फिर तू मेरे हुसैन की ताजीम कर।
हमें ना आपकी बारिश नार दरिया की, हमें
शेर सुनिए क्या बहाने को आप किसी पर कोई नहीं बनती बहाने को Thank you.
Thank you.
Oh,
I'm gonna make it.
Oh,
Hey, 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 hey,